अगली खबर की ओर। खेल नगरी के नाम से विख्यात भिवानी को कभी मुक्केबाजी व कुश्ती के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहां के मुक्केबाजों व पहलवानों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी का नाम रोशन करने का काम किया, जिसके बाद अब खेल नगरी के युवा विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतकर भिवानी वासियों को और भी अधिक गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी कड़ी में 4 से 6 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में स्थानीय कोंट रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकादमी के 4 खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड व 1 ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। पदक विजेता खिलाड़ियों का नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा स्थानीय हनुमान गेट स्थित वैकुंठ धाम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नोटों व फूलों की मालाओं से लादकर उन्हें अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। खिलाड़ी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने शिरकत की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति पहुंचे। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकादमी के संरक्षक बाबू पहलवान व कोच संदीप तंवर ने बताया कि जब जूनियर कुराश नेशनल चैंपियनशिप में 35 किलोग्राम भार वर्ग में जितेन ने स्वर्ण, 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण यथ ने और 60 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अरविंद ने स्वर्ण व 30 किलोग्राम भार वर्ग में यमन सैनी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। आज पुनः एक बार फिर से महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी की वजह से आज हमारी जो छोटी काशी है वो गौरवान्वित महसूस किया है उसने, क्योंकि लगातार मैं 2-3 वर्षों से तो मैं खुद ही आ रहा हूँ यहाँ पर और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं यहाँ से निकल रही हैं। हमारे कोच यहाँ पर तंवर साहब, संदीप तंवर जी खड़े हैं, सुरेश सैनी जी जो अध्यक्ष हैं संस्था के, और संरक्षक जी बाबूलाल सैनी जी, और तमाम इस संस्था के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उन सबको बधाई देता हूँ कि एक कम संसाधनों होते हुए भी इस स्पोर्ट्स अकेडमी से इतने प्रतिभा जो है हर बार निकालते रहे हैं। तो मैं सबको साधुवाद भी देता हूं और समस्त भिवानी के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहां स्पोर्ट्स अकेडमी के बच्चे आज पूरे जिले के नहीं, पूरे शहर के नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो कि प्रतिभाएँ ऐसी हैं जो विदेशों में भी खेलने अभी जा रही हैं, जिनमें से आज जिस प्रतिभा को सम्मानित किया गया है अंकित, जो कि गोल्ड सिलेक्टेड टू वर्ल्ड चैंपियनशिप नॉर्थ अमेरिका में, ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, अभिमान है। इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे रहे हैं सिलेक्टेड टू एशियन चैंपियनशिप साउथ कोरिया, और इसी प्रकार से सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 4th अगस्त को हुई थी।